के लिए होते हैं तो जाएंगे, लेकिन हमारा है ही, हमारी जिंदगी है तो हमें बचाना है। अगर हम ये कहेंगे कि मैं मरूंगा फिर तो सारे मरेंगे। अगर हमारा लड़का हमारा जवान बाहर नहीं रहेगा तो बाकी लोग, ठीक है दो चार दस लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर भी 90% लोग समझते हैं यार पुलिस वाला बाहर है, फोटो हमें बाहर नहीं जाना है। तो इससे बड़ा इम्पैक्ट होता है, मौसम नहीं है या हमारा कोई मेरा वो, मैं उसका इंटरेस्ट नहीं हो सकता, बहुत सारे मेरे मीडिया वाले नाराज भी होंगे, मीडिया को एडवाइस करना, काम कर लो यार, वही सबसे बड़ा है। आप खुद ही अगर मैं आज आपके जोर देता हूँ काम नहीं कर पाता हूँ वो ठीक नहीं रहता, काम करो वो सबसे बड़ा, हमने काम करना है और मिल बैठ के करना है। हमने आपको मैंने तभी बार बार शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत, खासकर बुजुर्ग लोगों का, आप यहाँ पर आए ये दे दो जिसको यहाँ क्या है। ऑफिस की तरफ से एक मीटिंग मुलाकात हुई थी और जिसमें सीनियर सिटीज़न, मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता, मुख्तलिफ तंजीमों के कार्यकर्ता आज यहाँ थे। और आज का यहाँ मुद्दा जो था कि इस जो महामारी है इसको किस तरह से रोका जाए, और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये आगे मौजू दिया गया कि भाई हमें कहाँ क्या कमी है, हमें क्या करना चाहिए, किस जगह पर क्या कमी है, क्या कहाँ करना हमें चाहिए। तो सब तंजीमों ने अपना अपना मशवरा इनको दे दिया। हमारी सीनियर सिटीज़न की तरफ से भी हमने इनको कहा कि थोड़ा सा अवेयरनेस में अभी यहाँ बहुत कमी है, लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसमें कम से कम अवेयरनेस को थोड़ा सा आगे करें। और ये जो सिस्टम है दुकानों का बंद करने का जो सिस्टम है, इसमें कोई टाइम रखें और पूरा उसमें रखें कि कितनी देर तक सब्ज़ी वाला खोलेगा, कितनी देर तक वो खोलेगा, ताकि वहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो। तो बाकी जब तक ना इसमें सभी तंजीमें, मजहबी तंजीमें, सामाजिक तंजीमें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे हो जाएंगी, इस बीमारी को अकेले कोई लड़ नहीं सकता, क्योंकि ये बीमारी बहुत पूरे दुनिया में इस वक्त है। अगर इसका हम तज़करा करें तो ये कोई आफत नहीं है, इसका ज़िम्मेदार एक हज़रत इंसान खुद है, क्योंकि कुदरत ने इंसान को यहाँ रोए ज़मीन पर आने के लिए इजाज़त दी थी ताकि वो कोई अच्छा काम करे, लेकिन गलत काम करने की वजह से